दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका गुरु इंजीनियर ए टू जेड चैनल में। दोस्तों घर पे ही कैसे बड़े साधारण तरीके से घर पे आप स्वयं ही विंडो एसी या स्प्लिट एसी सर्विस कर सकते हैं बिना किसी एसी इंजीनियर को बुलाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और अंत तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी विंडो स्प्लिट एसी घर पे स्वयं ही सर्विस कर सकेंगे। वीडियो से अगर विशेष जानकारी प्राप्त हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों स्टेप नंबर दो, एसी का प्लग उतारने के बाद, टॉप उतारने के बाद आपने एसी का कवर रिमूव करना है। इसके नीचे लॉक हैं, ये देखें, इसको भी आप इजीली निकाल सकते हैं। इधर भी एक लॉक होता है, अब इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। ये भी निकल गया। इसका जो ये फिल्टर है, इसको फिल्टर को आपने थोड़ा ऊपर दबाना है। ये देखें फिल्टर में भी पूरी डस्ट है। इसको कैसे क्लीन करना है मैं आपको उसका भी बताऊंगा। उसके बाद आपने इसकी जो फिन्स हैं इसको बड़े प्रॉपर तरीके से साफ़ करना है। अगर इसमें आप कोई भी गलती करेंगे और फिन्स इसकी टेढ़ी हो गई और सब दब गई तो इसके अंदर से हवा पास नहीं होगी और आपकी कूलिंग प्रॉपर नहीं आएगी। कूलिंग प्रॉपर ना आने की वजह से इसकी पाइप्स के ऊपर आइस भी जम सकती है। तो आपने आधा मग्गा या पौना मग्गा पानी का लेना है, साफ पानी का, और उसमें डिश वॉश की दो चार ड्रॉप्स डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी। ये देखिए मैंने दो चार ड्रॉप्स ही डाली हैं, ज़्यादा इसमें आपने ड्रॉप्स नहीं डालनी है। और इसको आप ब्रश से ही अच्छी तरह से हिला लें। अब आपने करना क्या है दोस्तों, इसकी जो फिन्स हैं बिल्कुल वर्टिकल तरीके से आपने इसको साफ करना है। धीरे 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 करना है इसको आपने साफ। ये प्रोसीजर आपने बिल्कुल जैसे मैं ब्रश का आपको दिखा रहा हूँ सेम टू सेम वैसे करना है। ओरिजिनल नहीं करना, वर्टिकल में ही करना है। आप देखेंगे कि आपकी फिन्स भी टेढ़ी नहीं हो रही, बिल्कुल स्ट्रेट है। आप देख लें कोई फिन्स टेढ़ी नहीं हुई है, कोई आपस में जुड़ नहीं रही। अगर ये आपस में जुड़ जाएंगी, अगर आप गलत तरीके से ब्रश करेंगे तो इसमें एयर पास नहीं होगी। एयर पास ना होने की वजह से कूलिंग कॉइल पे बर्फ जम जाएगी और जिसकी वजह से आपकी कूलिंग नहीं होगी। ये आपने पूरा प्रोसीजर इसी तरह करना है। इसमें टोटल आपका ये आगे की पूरी आपको फ्रंट की जाली उतारने की ज़रूरत नहीं। इसकी जाली उतारते वक्त काफ़ी लोग इसके लॉक तोड़ देते हैं। जितनी आप कर सकते हैं उतनी करें। और सेम प्रोसीजर इसके बैक कंडेंसर का भी है। बैक कंडेंसर को भी इसी तरीके से आपने साफ़ करना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे दोस्तों पानी भी धीरे धीरे काला होना शुरू हो गया है। और ये देखें जहाँ तक आपका ब्रश जाता है आप अच्छी तरह से इसको करें। ये देखें आपने डिश वॉश डालना है, सिर्फ दो से तीन चार ड्रॉप्स डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखें अब ये फिन्स देखें आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। इसी तरीके से आपने नीचे करना है इसको। इस पूरे काम को करने में आपके कम से कम टोटल 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। फिल्टर साफ़ करना मिला के आधे घंटे में आपका पूरा एसी सर्विस हो जाएगा। अंदर कोई ऐसी गंदगी नहीं होती है। अगर बाहर से आपको बॉडी साफ़ करनी है वो एक कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं। ये धीरे धीरे देखें पूरी फिन्स इसकी क्लियर हो रही है। क्योंकि मैं आपको पूरी दोस्तों फिन्स इसकी क्लियर साफ़ करके नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मैंने आपको ये देखे दिखाया आपको, ये देखे सारा इसमें जो डस्ट भरा हुआ है, इसमें जो एयर्स वगैरह बाल वगैरह टूट के भी आ जाते हैं, गंदगी जो भी डस्ट है सारी प्रॉपर इसमें से निकल रही है। पानी देखें धीरे धीरे काला हो रहा है। आप ऊपर की फर्स्ट वाली जो मैंने फिन्स साफ़ करी है देखें कितनी क्लियर हो गई है। जिस तरह से ये क्लियर हुई है इसी तरह से आपने सारे एसी को करना है। इस तरह से अगर आप करेंगे थोड़ी देर सूखने के बाद इस पर आप हेयर ड्रायर भी मार सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसका मैं आपको फ़िल्टर साफ़ करके दिखाता हूँ। आपने सारी फिन्स इसी तरह से साफ़ करनी है जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी सी करके दिखाई। अगर मैं सारी आपको करके दिखाऊँगा तो कम से कम आधा घंटे एक घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको क्लियर आगे दिखा रहा हूँ इसका फ़िल्टर कैसे साफ़ करना है। दोस्तों ये देखें फिल्टर अब मैं साफ़ कर रहा हूँ। इसका फ़िल्टर देखें कितना गंदा है।
हाथ से ही आप साफ कर सकते हैं, और हाथ से आपने नहीं करना तो आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रश से भी साफ कर सकते हैं। ये फिल्टर प्लास्टिक का होता है, नायलॉन वायर से बनता है, इसलिए आप इसको तेज तेज भी साफ करेंगे तो भी ये टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा या कहीं से ब्रेक नहीं होगा, इसलिए आप इसको फास्ट फास्ट तेज तेज भी साफ कर सकते हैं। दोस्तों देखें फिल्टर बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब इसको आप हेयर ड्रायर मार के सुखा दें। दोस्तों अब आपने हेयर ड्रायर से इसको सुखा देना है। अगर हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना तो आप इसको 10 से 15 मिनट फैन के नीचे रख दें, तब भी ये सूख जाएगा। अगर आप इसको गीला भी लगा देंगे एसी में तब भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सुखा के ही लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों पूरी फिन्स क्लियर हो चुकी है, पानी का रंग देख लो क्या काला सा हो गया है, ये देख लें पूरा पानी काला हो चुका है। अभी वन साइड की मैंने फिन्स साफ़ करी है, देख लें पूरी क्लियर हो चुकी है, आप देख रहे होंगे पूरी। जहाँ तक आपका हाथ जाता है दोस्तों वहीं तक करें, ज़्यादा मशक्क़त ना करें, ज़्यादा मशक्क़त से कोई वायर वायर या सेंसर वन से टूट जाएगा। दोस्तों हेयर ड्रायर से जो भी इसका फिन्स पे गीलापन था, पानी था, वो पूरा सूख चुका है और ये पूरा ड्राई हो चुका है। अब मैं आपको फिल्टर लगा के इसको ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसका देखो मैंने फिल्टर लगा दिया, एयर फिल्टर लग चुका है साफ़ होने के बाद, हेयर ड्रायर से सुखा भी दिया है। अब आपने इसको ईजिली लगा देना है, इसके लॉक में फंसा दें, जो इसके लॉक हैं एक और एक ये दो, इसके अंदर इसके ये लॉक फंसा दें, ईजिली ये फिट हो जाएगा। ये पूरे प्रॉपर इसमें फिट हो गए, अब इसको आप थोड़ा प्रेस कर दें। किसी कारण से कोई लॉक लूज रह जाता है तो आप डबल टेप भी लगा सकते हैं। ये पूरा प्रॉपर फिट हो चुका है, अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों एसी को चलाए हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत बेहतरीन कूलिंग इसमें आ रही है अभी मैंने, जबकि इसका बैक कंडेंसर क्लीन नहीं करा है, फ्रंट साइड का ही अभी मैंने इसकी कूलिंग कॉइल साफ़ करी है और बेहतरीन कूलिंग है जिसका एहसास मुझे हो रहा है, पर मैं तो आपको नहीं बता सकता। बहुत अच्छी कूलिंग है, अभी मैंने इसको हीटिंग पे किया हुआ है तो बहुत ज़बरदस्त कूलिंग है, मतलब कि 30 से 35% कूलिंग में फ़र्क पड़ चुका है। तो दोस्तों ये छोटा सा काम आप घर पर ही कर सकते हैं, 300-400 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा एसी खुलवा कर सर्विस कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इसकी कूलिंग कॉइल में ही थोड़ी गंदगी आती है और बैक कंडेंसर में। आप बैक कंडेंसर को पाइप लगा के वॉश भी कर सकते हैं, पर उसको सूखने के बाद ही एसी को ऑन करें, और प्लग जब भी एसी का लगा हो सॉकेट में उसको रिमूव करके ही एसी की सर्विस वगैरह करें। ये बहुत ईजी प्रोसीजर है, आप घर पर ईज़िली कर सकते हैं, कोई इसमें लंबा चौड़ा धाम झाम नहीं है। आप आराम से स्प्लिट एसी भी इसी तरह से सर्विस कर सकते हैं, पाइप से भी आप वॉश कर सकते हैं बैक कंडेंसर को, पर बस आपने यही याद रखना है कि एसी ऑन ना हो, पीछे से प्लग लगा ना हो, बस प्लग को रिमूव कर दें, किसी कारण से कोई फेस वेस ना आए, कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो से भी आपको काफ़ी अच्छी बेहतरीन जानकारी अगर प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो से आपको कोई भी विशेष लाभ ना हुआ हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपके सामने पेश होंगे दोस्तों।